गलवान वैली जो कि चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे कुछ ऐसा हुआ जहां पे हमारे इंडियन 20 सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इसी पे अजय देवगन लेके आ रहे हैं एक मूवी। आइए जानते हैं क्या होने वाला है मूवी के अंदर और किस तरीके से एक ट्रिब्यूट दिया जाएगा हमारे इंडियन आर्मी के उन जवानों को जो कि हमारे लिए शहीद हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की तो हम सभी जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि हमारे ऊपर वो कोई भी मुसीबत नहीं आने देती है। जब कभी भी देश के ऊपर कोई भी मुसीबत आने वाली होती है, हमारी इंडियन आर्मी जम के उसका सामना करती है, भले ही उनकी जान क्यों ना चली जाए लेकिन वो अपने देश पे कोई भी आंच नहीं आने देते। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेस चाइना का जो वॉर है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। जिस तरीके से चाइनीज़ जो है हमारे इंडियन ज़मीन पे यानी कि लद्दाख की ज़मीनों पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे इंडियन सोल्जर्स दिन और रात वहाँ पर तैनात हैं और हमारी सुरक्षा के लिए वो चाइनीज़ आर्मी से लड़ रहे हैं। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि 29 को हमारे इंडियन आर्मी के कुछ जवान यानी कि करीब 20 जवान जो है शहीद हो गए इसी लड़ाई में। हमारे देश को बचाने की लड़ाई में हमारे इंडियन आर्मी के 20 जवान जो है अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन आर्मी के परिवार वालों को एक बड़ा ट्रिब्यूट देना चाहते हैं अजय देवगन। अभी हाल ही में पीएम मोदी वहां पे विजिट किए और उन जवानों से मिले जो कि घायल थे। अब अजय देवगन ने उठाया है एक बहुत बड़ा कदम उन आर्मी के फैमिली वालों के लिए जो कि इस लड़ाई में शहीद हो गए। दोस्तों अगर हम बात करें अजय देवगन के बारे में तो अजय देवगन एक फिल्म लाने वाले हैं। इस फिल्म में आपको अजय देवगन का वो अनोखा अंदाज नजर आएगा जिस तरीके से आर्मी के जवान हमारी रक्षा करते हैं, बॉर्डर पे हमारे लिए दिनों रात वो अलर्ट रहते हैं। पूरा सब जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको उस मूवी में नजर आएगा और जिस तरीके से चाइना और इंडिया के बीच में उस रात जो लड़ाई हुई थी वो सारी लड़ाई आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी और किस तरीके से हमारे इंडिया के 20 जवान जो है लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। हमारी रक्षा के लिए जो जवान शहीद हो गए थे आपको उस मूवी में सब कुछ देखने को मिलेगा। ये मूवी अगले साल 2021 में रिलीज की जाएगी। उससे पहले अब अजय देवगन ने इस मूवी को लेके एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अजय देवगन द्वारा ये उठाया गया सबसे बड़ा स्टेप आपको कैसा लगा इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं यानी कि काजल आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।